गांव थाना क्षेत्र के बिरने में शनिवार को करंट के चपेट में आने से 4 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई। बाद में शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि बिरने निवासी सुधीर यादव का 4 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार घर के बाहर खेलकर घर वापस आ रहा था। इस दौरान घर के बगल स्थित खेत में गिरा 440 वोल्ट के तार के चपेट में आ गया। घटना के बाद परिजनों ने आनन फानन में बच्चे को गावा CHC लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर चंद्रमोहन कुमार ने जांच पड़ताल के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों व ग्रामीणों ने बिजली विभाग के विरोध में विद्युत कार्यालय के सामने गावा तीसरी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान बिजली विभाग के विरोध में लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सूचना पर गांव थाना प्रभारी महेश चंद्र पहुंचे और कार्रवाई के आश्वासन के बाद जाम को हटा लिया गया। सूचना के बाद पूर्व विधायक राजकुमार यादव, नागेश्वर यादव और 20 सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह गांवा CHC पहुंचकर परिजनों से मिले व अपनी संवेदना व्यक्त की। मौके पर मालूम नेता नागेश्वर यादव, अखिलेश कुमार, कन्हई राम, रंजीत राम, नरेश राणा, आनंदी यादव समेत कई उपस्थित थे। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बिजली विभाग वाले कहाँ क्या है, लाइन बल्ब कभी देखता नहीं है, वहाँ जाके टायर कट गया था, बच्चा घर के ऊपर में खेल रहा था, बच्चा वहाँ से आ रहा था, जमीन खेत में लाइन गिरा हुआ था, मोटा तार गिरा हुआ है, उसी में फंस गया। एक आदमी हम लोग को बोला कि देखो वहाँ बच्चा सुतल है, तो हम लोग दौड़ के गए तो देखो बच्चा का लाइन लगल है, 2 मिनट के अंदर ही खेला हो गया। मतलब हम लोग जानते नहीं थे कुछ कि क्या है, वहीं से हम आए लेकिन वहाँ नहीं था, 2-3 मिनट के अंदर लाइन गिरा और तुरंत बच्चा लग गया उसमें। बच्चा का क्या नाम है? बच्चा का नाम किरीट कुमार है। कितना उम्र है? 4 साल हो रहा हूँ। पिता का नाम? सुधीर यादव। घर कहाँ हुआ? बिरने। पहला दिन जो हवा चला उस दिन 11,000 तार गिरा, 3 मरते गांव के लोग फोन किया, कोई मिस्त्री देखने तक ही नहीं गया। ठीक है, यही तो स्थिति है मिस्त्री लोग को, सरकार सैलरी देता है और ये लोग अपना केयर नहीं करता है, फोन करने पर भी बावजूद भी नहीं जाता है। आज कैसे क्या घटना कैसे हुई? इसको लाइने से हुआ है, फुटबॉल खेल बॉल कर रही थी, इस चक्कर में मतलब की लगता है कि लाइन पे ही जाकर गिरा है। हम तो वहाँ पे थे नहीं, हम पेशेंट देखने के लिए, दूसरा पेशेंट को हम देखने के लिए चले गए, तो वो पेशेंट मतलब कि जो है पूरा ये हो गया हुआ है, तो उसको धनबाद भेज रहे थे, तब तक फोन आया कि ऐसी ऐसी बात है, हम लोग दौड़ के गए, तो लोग लेके आए।